जनरल स्टडीज 2018 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र द मैट्रिक्स ए विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स इज गिवन एज दिस और ये बताया कि मैट्रिक्स का स्टेटस क्या है, कौन सी मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या हर्मिशियन मैट्रिक्स है या स्क्यू हर्मिशियन है। स्क्यू का दूसरा नाम होता है एंटी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कह दो या एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स कह दो, वन इज द सेम थिंग। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह दो या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह दो, सेम थिंग। पहले जो भी इन सभी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की टाइप तो बाद की बात है, पहले ये तो बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, व्हाट इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अनदर नेम इज एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जैसे कि ये गिवन मैट्रिक्स है ए, स्टेप नंबर वन इसका नेगेटिव फाइंड आउट कर दो, तो माइनस से क्या आ जाएगा, सभी एंटिटीज के साथ माइनस लग जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। देख लीजिए ये माइनस ई सी हो गया, ई पॉजिटिव था माइनस ई हो गया, ये नेगेटिव भी डी हो गया। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है आपको पता है, ये रोज होती है, ये कॉलम्स होते हैं, ट्रांसपोज में क्या होती है, रोज कॉलम बन जाते हैं, कॉलम्स रो बन जाते हैं। तो देखिए ये रो कॉलम बन गए, अब आप दोनों को कंपेयर करिए और हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव है, तो कहना पड़ेगा कि गिवन मैट्रिक्स जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बता दूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, व्हेन टू मैट्रिक्सेस आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल, व्हेन मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होगा, जब मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की प्रोडक्ट वन हो तो वो गिवन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कहा जाएगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, स्टार के मायने होते हैं कॉन्जुगेट, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फिर उसका ट्रांसपोज, या फिर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर उसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को हम डैगर भी बोलते हैं, ये सिंबल डैगर का है, यानी मैट्रिक्स का डैगर, डैगर में दोनों ऑपरेशन, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, जिसको अगर मैट्रिक्स का डैगर मैट्रिक्स के बराबर है, अगर मैट्रिक्स का डैगर मैट्रिक्स इटसेल्फ के बराबर है तो वो मैट्रिक्स हर्मिशियन कहा जाएगा, और अगर मैट्रिक्स का डैगर मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर है तो वो एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स कहा जाएगा या फिर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहा जाएगा। स्क्यू का मतलब होता है एंटी।